दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों कल के मैच के बारे में आइए बात करते हैं और बताते हैं आपको कल के मैच के हाईलाइट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों कल इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज के बीच में मैच खेला गया, यह तीसरा मुकाबला था। दोस्तों भारतीय टीम ने तीसरे मैच में भी अपना वर्चस्व जारी रखते हुए जीत हासिल की और वेस्ट इंडीज को वनडे सीरीज से खाली हाथ लौटाया। आइए अब आपको बताते हैं मैच के पूरे हाईलाइट के बारे में। भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन किया। दीपक चहर ने भारत को शुरुआती सफलताएं दिलाई और फिर 20 के ओवरों में कुलदीप प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट निकाले। मोहम्मद सिराज ने भी 20 के ओवरों में आखिर के ओवरों में विकेट निकाले। भारत के युवा गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने 3 मैचों में 9 विकेट ले अपने नाम किए। तीसरे मैच में उन्होंने 3, दूसरे में 4 और पहले मैच में 2 विकेट लिए। श्रेयस अय्यर की बात करें तो भारत के मध्यम क्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को उनकी 80 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अय्यर शुरुआती 2 मैचों में नहीं खेले थे क्योंकि वह कोविड से ग्रसित थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने वापसी की और दमदार पारी खेली। भारतीय गेंदबाजों का कल दमदार प्रदर्शन था और इसी की वजह से वेस्ट इंडीज को हारना पड़ा। प्रसिद्ध कृष्णा ने 38वें ओवर की पहली गेंद पर अलजारी जोसेफ को आउट कर वेस्ट इंडीज की पारी का 169 रनों पर ही समेट दिया और इसी के साथ भारत ने मैच 96 रनों से अपने नाम कर लिया। कुल सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया। जोसेफ ने 29 रन बनाए और वेस्ट इंडीज को कल क्लीन स्वीप कर दिया। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में वेस्ट इंडीज एक भी मैच नहीं जीत पाया और भारत ने 3 के 3 मैच अपने नाम किए। तो ये थी कल की हाईलाइट के बारे में विशेष जानकारियां। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अब T20 मैच खेले जाएंगे और उनका भी हाईलाइट आपको मिलता रहेगा तथा लाइव आप T20 मैच देख सकते हैं। और ये जो मैच खेले जाएंगे ये 16 तारीख से शुरू होंगे, यानी कि आने वाली ही 16 तारीख से T20 मैच खेले जाएंगे और 3 T20 सीरीज भी हैं। तो अगर आप इन मैचों को भी देखना चाहते तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।